कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। काइंडली लाइक द वीडियो, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द कोच को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने। चलिए, आज का सबसे बड़ा एक थॉट इशू चल रहा है जो आजकल मार्केट में क्वेश्चन चल रहा है कि पेपर कब होगा। ठीक है, सबसे बड़ा इशू चल रहा है हमारा कि जी पेपर कब होगा। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, बस एक मेरी बात सुन लीजिए, दो मिनट की बात है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं करता मैं। ठीक है, आप और मैं, हम सब छोटे छोटे हैं तो हम छोटी छोटी बातें करते हैं। हाँ, लेकिन लक्ष्य हमारे बड़े हैं तो उनकी तरफ हम चल दिए। पेपर कब होगा आज तक का सबसे हॉट क्वेश्चन, और इसके इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया घूम रही है कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। बच्चे मेरी एक बात सुनना, सारे के सारे शांति से सुनना, मेरी एक बात बताना। देखो, हम लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, है ना, और हम कोशिश करते हैं कि गलतियां हमसे ना हो। आप कितने भी सक्सेसफुल लोग ले लेना, ठीक है, चाहे एलन मस्क ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी ले लीजिए, या पढ़ने में ले लीजिए किन्हीं लोगों को, इतने आईएएस आईपीएस आपके कई सारे रोल मॉडल होंगे उनको ले लीजिए, वो ना कभी भी अपनी लाइफ में शुरू से ब्रिलियंट रहे ही नहीं। ठीक है, हर किसी की लाइफ का एक एज पर आकर पर्पस पता लगता है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, और वो जब तक आप खुद क्लिक नहीं कर पाओगे उस चीज को, तब तक लाइफ में वो चीज नहीं हो पाती जिसे हम जीने आए। कितनी बार कितने योनियों में भटकने के बाद जब हम एक मनुष्य जीवन को जीते हैं, हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो क्या हम उसको भी इतनी बेगैरत में निकाल दें कि हम उन फालतू चीजों के बारे में सोच सोच के अपने आने वाले भविष्य के बारे में बैंड बजा दें। आई नो आपको एग्जाम डेट पता लग जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन ये देखो इन सवालों के बीच आपसे पहले कितने लोग आपसे आगे चले गए जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने आने वाला अगला साल, उससे अगला साल, उससे अगला साल कि भैया मैं जल्दी से एयरमैन बन जाता हूँ, एनडीए में रिकमेंड हो जाता हूँ, नेवी में ले लेता हूँ, उसके बाद डिपार्टमेंटल पेपर दूंगा, पायलट के लिए जाऊंगा, एनडीए में मैं गरुड़ कमांडोज के लिए जाऊंगा, पैरा कमांडोज के लिए जाऊंगा, आगे के लिए जाऊंगा, तो वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। और यकीन मानना, जब ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति नॉर्मल होंगी ना, आप देखेंगे कुछ लोग आपसे बहुत आगे चले गए, तो उन लोगों से जाके एक बार पूछना कि भैया तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोग हमसे इतना आगे चले गए, पहले तो हम सेम स्तर पर थे। तो वो बताएगा कि जब तू लॉकडाउन में रो रहा था, अपने ड्रामे कर रहा था, दुनिया भर के मसले पूछ रहा था, अपनी शिकायतें रो रहा था, अपना दुखड़ा रो रहा था, मैं उस समय बंद कमरे के अंदर अपने आने वाले कल का पूरा भविष्य लिख रहा था। मेरा इतिहास डिसाइड नहीं करेगा मेरा भविष्य क्या है, मेरा प्रेजेंट डिसाइड करेगा मेरा आने वाला भविष्य क्या है। तो अपने प्रेजेंट को सुधारो, क्योंकि आप अपने इतिहास को कभी वापस जाके नहीं सुधार सकते। उनकी खामियों की वजह से अपने आप को परेशान ना करिए। एग्जाम सबके लिए सेम टाइम पर होगा, पेंडेमिक कॉमन होगा, अपने अंदाजे से लेके चलते हैं, सितंबर अक्टूबर में पेपर करा दे वो, है ना। तो हम इस चीज को मैं आपको बता भी दूं, फिर भी आप तीन दिन बाद मुझसे यही पूछोगे पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। सुन लो मेरी बात, तो सारे के सारे बच्चे इस चीज के बारे में सुनने में बहुत जरूरी है कि भैया जब हम चीजों को अपने इस अपने समय को उन चीजों में लगा देते हैं जिनसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम उस पर फालतू में बेगैरत सोचकर अपने उस समय को, जो समय कभी नहीं मिलने वाला, उसको खराब करते हैं, तो वो हमें आगे भी उतनी हानि पहुंचाएगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है भैया, इस चीज को फैलाने के पूरे देश में, तो जितना जिस बच्चे से हो पाए सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत नई अपडेटों के साथ, बहुत बड़े रेवोल्यूशन के साथ आप लोगों के सामने काम कर ही रहे हैं ऑन द स्पॉट, और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है भैया।